वैष्णव, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। ये वीडियो मैंने शूट करके तो रखा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा बिजी थी, तो इस वजह से मैं इसको एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो फाइनली आपके सामने ये वीडियो आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है 6 बजे। सर्दियों में 6 बजे उठने का वैसे कुछ खासा मतलब है नहीं, लेकिन जब आप कोई रूटीन सेट करते हो तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे देखिए मौसम का नज़ारा, और 25 के बाद तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ गई है, कोहरा लगने लग गया है। हालांकि ये उस दिन का वीडियो नहीं है जिस दिन मैंने शूट करा था, ये बात का है, तो मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है गर्म पानी पीने से, और गर्म पानी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो हम सभी जानते हैं। गर्म पानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, हमारी पाचन क्रिया को सही करता है और वजन कम करता है। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है गर्म पानी पीने से। पूरे दिन में गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मॉर्निंग में सिर्फ खाली पेट ले लिया एक बार ही, फिर उसके बाद पूरे दिन गुनगुना पानी पीती हूँ। ठंडा पानी भी नहीं पीती क्योंकि ठंडा पानी पीने से मेरे गले में खांसी हो जाती है और खिरखिरी लग जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पानी गर्म कर रही हूँ रॉड से, क्योंकि हमारे यहाँ गीजर नहीं है और मुझे थोड़ा गीजर से डर भी लगता है। आजकल बहुत सारे कांड सुनने मिलते हैं गीजर के साथ। जब तक पानी गर्म होता है तब तक अपने और सारे काम कर लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैं प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश कर रही हूँ। मॉर्निंग में कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं बेसन यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश करती हूँ। और यहाँ पे मैं कोई अपना स्किन केयर भी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी ये बर्थडे के टाइम पे मैंने वीडियो शूट करा था, तभी मैंने अपने फेस की डेंटिंग पेंटिंग कर ली थी, तो ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। सिंपली अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ ग्लिसरीन से। मेरे ना स्किन की बहुत अजीब बात है, ये सर्दियों में इतनी ड्राई हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है, और गर्मियों में इतनी ऑयली हो जाती है, ऐसा लगता है कि 2-3 पराठे तो मेरे फेस के ऑयल से बन ही जाएंगे। तो फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं ऊपर ही चली आऊँगी, मेरा ऊपर का ही काम रहेगा, तो बार बार ऊपर नीचे क्या करना है, इसलिए मैं मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और कितनी बारी तो मैं सच बोलूँ लगाना भूल भी जाती हूँ, लेकिन चाहे धूप तेज हो या ना हो हमें सनस्क्रीन लगा के ही बैठना चाहिए। और जितनी बारी मैं भूल गई हूँ आप मेरे चेहरे पर उसका असर देख सकते हो कि मेरे चेहरे पर काफ़ी हद तक टैनिंग आ गई है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ अच्छे से, मेरा मॉइस्चराइजर डन हो गया है, सनस्क्रीन डन हो गया है, बाल बनाना डन हो गया है। अब मैं सीधे जाऊँगी अपने माता रानी के पास। अब ये मत कहना कि इतने तैयार हो गए, माता रानी के पास कौन जाता है। अब देखिए नॉर्मल इंसानों से भी हम मिलते हैं तब भी हम इतना सज धज के जाते हैं, तो जो भगवान के पास जा रहे हैं थोड़ा बहुत तैयार होने में क्या ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी माता रानी की पूजा करूँगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर रामायण पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, और मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा शांति होती है, तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लग जाता है। इसमें ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठकर ये सारे काम करे हैं। अब वही ना, कुछ चीज़ पाने के लिए हमें किसी चीज़ का तो त्याग करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी नींद का त्याग करा, और सच बोलो ना मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, मतलब मुझे इतनी शांति मिल रही है ना इस चीज़ को करने के बाद, मैं क्या ही बताऊँ। हर इंसान का देखो अपने अकॉर्डिंग अपना अपना रूटीन होता है, जिसके लिए जो चीज़ पहले होती है वो चीज़ करता है। किसी के लिए फैमिली होती है, किसी के लिए हेल्थ होती है, किसी के लिए भगवान होते हैं, किसी के लिए उसका काम होता है, तो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग अपने रूटीन सेट करता है। तो मेरे लिए तो ये रूटीन ज़्यादा वर्क कर रहा है, इसलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। आगे चेंजेस करने पड़े तो वो भी करूँगी, लेकिन अभी के लिए तो ये बेस्ट है। यहाँ पे मैंने रूटीन में सूर्य भगवान को जल देना भी ऐड किया है। मैं पहले नहीं देती थी लेकिन अब देती हूँ। कहते हैं कि सूर्य भगवान एनर्जी के देवता है, तो मॉर्निंग की शुरुआत अपनी एक ऊर्जा के साथ तो करना बनता ही है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपने आगे के और काम कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं बाहर की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि इंसान बाहर से मजबूत है तो फिर मतलब वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, लेकिन जितना इंसान को बाहर से मजबूत होना ज़रूरी है उतना ही उसको अंदर से भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और वो हम हो सकते हैं योगा से, मेडिटेशन से और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम सुदर्शन क्रिया करो, तो यहाँ पे मैं वही सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ। सुदर्शन क्रिया एक ऐसा योगासन है जिसमें हमें धीमी और तेज़ गति से सांसें अंदर बाहर करनी होती है। इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हमें वन बाय वन वो सारे फॉलो करने होते हैं। इसमें हमने सबसे पहले काउंटिंग के साथ सांस अंदर लेनी होती है, फिर काउंटिंग के साथ ही उसको थोड़ा होल्ड करना होता है, और फिर काउंटिंग के साथ ही उसको एक्सहेल करना होता है। मतलब यही सारी चीज़ें इसमें रिपीट होती हैं।
ये क्रिया पूरी की पूरी सांसों से जुड़ी है तो हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो आप YouTube में उनके इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करिए अगर आपको समझ में आते हैं तो, नहीं तो आप चाहो तो अपने लिए सर्टिफाइड योगा टीचर भी रख सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। और यहाँ पे मैं भस्त्रिका कर रही हूँ, ये भी उसी का ही एक स्टेप है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ओम नाम जाप स्टार्ट करूंगी। तो पहले जो ओम नाम का उच्चारण था मैं ये भी गलत करती थी, फिर मैंने ये भी सीखा इसको हमें ऐसे बोलना चाहिए इस तरह से हमें ये करना चाहिए। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितना भी कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सुदर्शन क्रिया हमारे लिए एक बहुत अच्छा योगासन है जिससे कि हम पूरी तरह से अपने सांसों पर नियंत्रण पा सकते हैं, जो कि हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग और हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बनाता है। तो ये हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं और सारे योगासन भी ट्राई कर रही हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं इनमें परफेक्ट हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी इनको करना स्टार्ट करा, इससे पहले मैं इनको नहीं करती थी, मैं एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करती थी। तो अब मैं धीरे धीरे इनको कर रही हूँ, हालांकि मैं मानती हूँ कि मेरे सारे पोस्चर सही नहीं होंगे, लेकिन वही है, करूँगी, देखूँगी, सीखूँगी तो अपने आप सारे अच्छे से होते रहेंगे। और ये जितने भी योगासन मैं कर रही हूँ मुझे इनको करने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। और ऐसा नहीं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मैं वो भी करूँगी, लेकिन 3 दिन ये तो 2 दिन वो, इस तरह से मैं अपना रूटीन सेट करूंगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना सूर्य नमस्कार भी सीखा है, मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी मैनिफेस्टिंग कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ टू डू लिस्ट बनाती थी, लेकिन अब मैंने अपनी लिस्ट में एक मैनिफेस्टिंग और स्टार्ट कर दिया है। तो कहते ना कि आपको शीशे के सामने उठकर ये सारी चीजें बोलनी चाहिए, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको लिखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं सारी चीजें पहले लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद उनको एक एक करके जोर जोर से बोलती हूँ। यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, और अगर कोई वीडियो का आइडिया आया है तो वो लिख लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर भूल भुलैया हो जाती है। फिर इन सारी चीज़ों को साइड करने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताती हूँ, मॉर्निंग की धूप लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की धूप काफ़ी अच्छी मानी जाती है, विटामिन डी मिलता है इससे हमें। ये सर्दियों की धूप इतनी मीठी मीठी होती ना, अगर आप इसमें एक बार ही बैठ जाओ ना तो आपका उठने का मन नहीं करता है, लेकिन नीचे जाके काम भी करना होता है। तो थोड़ी देर अपने साथ समय बिताने के बाद मैं यहाँ पे अपने पौधों को पानी दे रही हूँ, और पौधों को पानी देना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली इनको देखती हूँ, इनकी ग्रोथ देखती हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मम्मी ने राई, मेथी और धनिया बो रखा है, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये भी हरे हरे अभी हो ही रहे हैं, पूरे हुए नहीं है। मैंने कहा चलो वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एक चीज़ है वो जो आपने भी गौर करी होगी, जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो हमें बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो ये सारा काम करते करते मुझे भी भूख लग जाती है। फिर नीचे आके मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, कभी ओट्स बना लेती हूँ, कभी चीला बना लेती हूँ, कभी पोहे बना लेती हूँ। तो मैं आज अपने लिए ओट्स बना रही हूँ, और इसको बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। खाना हमारा लेट बन रहा था इसलिए मैंने ओट्स बना लिए, और सर्दियों में केले ठंडे होते हैं तो वैसे तो खाए नहीं जाते, इसलिए मैं ओट्स में मिक्स करके इनको खा लेती हूँ। एक बारी का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी ना नानी आई हुई थी गांव से, तो वो मॉर्निंग में 10 बजे छत पे आ जाती थी और 3-3:30 बजे नीचे जाती थी जब धूप चली आती थी। इस बीच में मुझे कितना कहती थी कि धूप सेक ले, मैं नहीं सेकती थी। अब उनके दिमाग में ना वो चीज़ घर कर गई, तो अभी भी वो गाँव में है तो जब भी मम्मी को फ़ोन आता है तो मम्मी को यही कहती है मेरा नाम लेके कि दीपा को बोलना धूप सेक ले। इवन गर्मियों के महीने में भी यही कहती है कि दीपा को बोलना छत पे जाए धूप सेक ले। मैंने कहा हाँ जा रही हूँ मैं जेठ की दोपहरिया में धूप सेकने। तो ये तो रही नानी की बात। फिर उसके बाद खाना बन गया था जिसमें एक रोटी, बीन्स की सब्जी और मम्मी ने दही गर्म करके दी थी, और पेट पूजा हो गई है। अब उसके बाद चलो काम करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं पोछा वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि नहाने के बाद फिर पोछा लगाना थोड़ा सा अजीब लगता है। पोछा वगैरह मम्मी लगा लेती है। हमारे 3 फ्लोर हैं और तीनों ही अलग अलग बटे हुए हैं, तो ये मोटे मोटे काम सारे मैं कर लेती हूँ, और नीचे का और बीच के फ्लोर का पोछा मम्मी लगा लेती है, मंदिर का कोमल कर लेती है। तो बिस्तरा साफ करने के बाद यहाँ पर कपड़े पड़े रहते हैं इनकी तय वगैरह करके, इनको इनके ठिकाने पर लगा के अच्छे से ये सारे काम मेरे होते हैं। संडे का रूटीन थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि उस दिन हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है। हमने एक दिन सेट कर रखा है कि इस दिन हम डीप क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो हर चीज़ रोज़ नहीं हो पाती है। और गर्मियों में तो हम लोग चलो 2 बारी नहा भी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में सिर्फ 1 बारी नहाया जाता है। अब डीप क्लीनिंग में जैसे हमें बाथरूम साफ़ करना होता है, जाले निकालने होते हैं, पंखे वगैरह साफ़ करने होते हैं, धूल धक्कड़ जो होती है ये सारा हम संडे के दिन ही करते हैं। तो इस दिन मेरा रूटीन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक दिन बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता है जो भी ज़रूरी भी है। और ऐसा भी नहीं लगता कि यार मैं डेली एक सा ही रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ।
तो ऐसे इसको हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और रूटीन का मतलब ही यही होता है कि जो आपको सूट करे, जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से रूटीन बनाते हो ताकि आप उसको प्रॉपर फॉलो कर सको। तो जब तक मैं बर्तन धोती हूँ, प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ, मम्मी नीचे पोछा लगा लेती है, फिर उसके बाद मम्मी ऊपर आती है, ऊपर की फ्लोर में पोछा लगा लेती है और यहाँ हाथ और पैर धुल चुके हैं। अब मैं सीधे छत में जाऊँगी तो पोछा लगा के मम्मी भी ऊपर ही आ जाती है। कपड़े वगैरह इसी समय हम ऊपर ले जाते हैं छत में धोने के लिए। अब मम्मी इतनी देर कपड़े लगा रही, तो मैं चाय बना के लिए आई थी। 2 गिलास चाय है, एक मेरी है और मम्मी की है, और गर्मा गर्म मूंगफलियाँ, गर्मा गर्म तो नहीं है मतलब मूंगफलियाँ हैं। तो ऊपर से धूप है, नीचे से हम हैं, तो बस यही सर्दियों के मज़े हैं। 11 बजे के आसपास हम लोग फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम पूरा दिन फ्री हैं। एक आधे घंटा थोड़ा सा धूप और सेकेंगे, यहाँ पे मुझे अगर कुछ लिखना है या कुछ एडिट करना है तो मैं वो सारे काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्री हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संडे के दिन या छुट्टी के दिन ऐसे ही छत में रहते होंगे और उनका बिल्कुल नीचे आने का मन नहीं करता होगा, तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। तो यहाँ पे हमारे मस्त गप्पे चल रहे थे मेरे और मम्मी के, और इस वीडियो को भी मैं अब यहीं पे फिनिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी को जय माँ वैष्णो।